हरे कृष्णा मित्रों, अगर आपके भी जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा और आपके मन को शांति प्रदान होगी। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहें तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। दोस्तों, आज इतना ही। बोलो राधे राधे।